करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के क्या क्या पॉलिसीज रही, क्या क्या डेवलपमेंट्स रहे आरबीआई के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, अदर बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान बनाए, बजट में इन बैंकों के बारे में क्या क्या प्लान रखे गए, किन किन बैंकों का आपस में मर्जर हुआ, ये सब चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले आरबीआई के बारे में थोड़ा सा बोर करना है आपको मैंने, चलो याद दिला दिया, बोल दूंगा दिन। सबसे पहले आरबीआई के बारे में, फर्स्ट अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ। तो फर्स्ट अप्रैल 1935 में ये एस्टैब्लिश हुआ और तब से 1949 तक, यानी कि पूरे 14 साल ये काम करता रहा एज ए प्राइवेट बैंक, ये प्राइवेट हाथों में था। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1949 में इसको सेंट्रलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया और तब से ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथ में। 1935 से 37 तक इसका जो हेड ऑफिस था वो कैलकटा था, 37 से परमानेंटली इसका हेड ऑफिस हमने मुंबई शिफ्ट कर दिया 1937। ये कुछ इसके एमसीक्यूज बनते हैं, आप जो चीज जहां से भी पढ़ाई जा रही है, चाहे वो स्टडी मेटर में पढ़ाई जा रही है, चाहे उसके लिए मैं आपकी तरफ से कुछ दे रहा हूँ, वो चीज वहीं से बैठे बैठे आप अपने अपने एमसीक्यूज बनाएंगे। अगर आप एमसीक्यूज का वर्क आपस में बांट लें तो तुम 6 बच्चे हो, काफी काम बढ़ जाएगा और काफी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, और उनको टाइप करा के देने की जिम्मेदारी मेरी है। सारे एमसीक्यूज मुझे दे देना, मैं आपको टाइप करा के दूंगा पूरा, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे बुक होती है वैसे आपको सारे मिल जाएंगे इसके एमसीक्यूज। लेकिन आप आपस में बात कर सकते हैं, बांट सकते हैं, कोई दिक्कत हो मुझसे बात करो, मैं दूसरे बच्चों से बात करूंगा। खुद करना है खुद कर लो, अगर बांट के करना है काम तो कम एफर्ट में बहुत सारा काम हो जाएगा, कम एफर्ट में बहुत सारा काम हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यूज साथ के साथ बनाते चलो, जो चैप्टर में पढ़ा हूँ उसके एमसीक्यूज आपको वर्क करो। एक्चुअली क्या है कि आप एक एक लाइन को डीपली पढ़ो, एक एक लाइन को डीपली पढ़ने के बाद आप देखो कि यहां से ये एमसीक्यू निकल सकता है, वहां पे आप अंडरलाइन कर दो या निशान लगा दो, चैप्टर पढ़ते ही फिर वहां से एमसीक्यू लिखने शुरू करो। लेकिन आपको हर चैप्टर के लिए लिखना है, पूरे सिलेबस को हमने 6 पार्ट में बांट दिया, रिमेनिंग सिलेबस को 6 पार्ट में क्यों बांट दिया, क्योंकि आप 6 बच्चे हो, हर बच्चा अगर अलग चैप्टर का बनाएगा तो आपको बहुत कम काम करना पड़ेगा और बाकी जो बचे हुए 5 चैप्टर्स के आपको फ्री में मिल जाएंगे। यानी कि आप 1.6 आपको लेबर करनी है और आपको फुल 1 वर्क मिलेगा, बाकी जैसे आपकी मर्जी हो। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाओ तो आपकी बहुत कम मेहनत हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नहीं बनाते हैं तो मेहनत पूरी है। लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि सर हम सारा सारा पढ़ेगा और हमारे अपने हम बनाएंगे, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी को यह है कि हाँ सर हमने बना लिया आप प्लीज टाइप करवा दो, तो वो बहुत बेटर रहेगा, टाइप करवा के मिल जाएगा। चलो ये था आरबीआई के बारे में बातें, आरबीआई के फंक्शंस। मॉनेटरी अथॉरिटी है, ये सबको पता ही है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, करेंसी को इश्यू करना, देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, लोन कम रेट पे ज्यादा रेट पे देना, उसके लिए रेट कम ज्यादा करना, उसकी काम बनाना, वो सब चीजें आरबीआई का काम है। रेगुलेटर है, सुपरवाइजर ऑफ पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है। फाइनेंशियल सिस्टम, लोगों के पास कितना पैसा होगा कितना नहीं होगा, लोगों की मनी सप्लाई, हमारी जो मनी सप्लाई है उसको कम करना है ज्यादा करना है, उसके लिए जो भी प्लान बनाते हैं वो आरबीआई बनाता है मेनली। मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसको मैनेजर भी बोल सकते हैं या कस्टोडियन भी बोल सकते हैं, कस्टोडियन, क्योंकि सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज इसकी कस्टडी में रहता है, यही मैनेज करता है, कोई भी वर्ड यूज किया सकता है। पूरे कंट्री का जितना भी फॉरेन करेंसी है, जितने भी लोगों के पास है, आपको फॉरेन करेंसी आपके पास रखना अलाउ नहीं है,
फॉरेन करेंसी इंडिया में आने के बाद सारी की सारी आरबीआई में जमा करनी पड़ती है लीगली। इश्यूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इश्यू करने वाला, करेंसी को इश्यू करने वाला, यानी कि इंडिया में जो 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट इश्यू होते हैं वो सारे के सारे आरबीआई इश्यू करता है, इसी को अथॉरिटी होती है। डेवलपमेंटल रोल, देश के डेवलपमेंट के लिए जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी बनेगी वो सब आरबीआई के थ्रू बनेगी। कुछ फंक्शन आपने नहीं पढ़े होंगे, जैसे ये वाला फंक्शन शायद आपने क्लास 12th में ना पढ़ा हो। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा पहुंचाना, या एक मुजफ्फरनगर से मुंबई में पैसा पहुंचाना, किसी को आरटीजीएस, बट पता नहीं तुमने सुना नहीं सुना, आरटीजीएस होता है, एनईएफटी होता है, यानी कि सब ऑनलाइन ट्रांसफर होता है मनी का इधर से उधर, उस सबको सुपरवाइज करता है आरबीआई। और दूसरे रिलेटेड फंक्शन, रिलेटेड क्या, अदर, अदर रिलेटेड फंक्शन। तो ये सब इन्हीं की डिटेल दे रखी है, पढ़ लेंगे। एमसीक्यू का इसमें बहुत कम निकलता है, एमसीक्यू का बहुत कम काम निकलता है इसके अंदर। चलो रिलेटेड वाला पढ़ लेते हैं। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये आपने मेन हेडिंग में पढ़ा है, ये इन्हें अदर फंक्शन में पार्ट लिया, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लेती है, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट अपना पैसा जमा कहाँ रखती है? आरबीआई में रखती है। परफॉर्म्स मर्चेंट बैंकिंग फंक्शंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी के जितने भी कॉमर्शियल बैंकिंग एक्टिविटीज हैं, जितने भी प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के स्टॉक एक्सचेंज का काम है, वो सारा का सारा गवर्नमेंट आरबीआई के कंट्रोल में चलता है। वो अलग बात है कि उनका जो ट्रेड है वो सेबी के अंडर में चलता है, लेकिन जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटी है वो आरबीआई से बाहर कोई नहीं है इंडिया के अंदर। बैंकिंग फाइनेंस, कोई किसी को उधार दे रहा है वो इलीगल है तो बात अलग है, अगर कोई लीगल चीज है तो वो सिर्फ आरबीआई के अंडर में चल रही है। बैंकों का बैंक है, तो इसमें दो चीज आएगी, एक तो बैंकर टू द गवर्नमेंट और एक बैंकर टू बैंक्स। बैंकों को अपना पैसा जमा रखना है या बैंक से लोन लेना है तो वो आरबीआई के कॉन्टेक्ट करते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, शेड्यूल बैंक्स, सब उसके हाथ में है। आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिस हैं, स्टेट की कैपिटल्स में होते हैं, 4 सब ऑफिस हैं। फिर ये एक अलग हेडिंग है, बैंकिंग सेक्टर इन न्यूज, मतलब मेन मेन खबरें हैं, लेकिन ये बहुत सारी हैं, बहुत सारी खबरें हैं, आप पहले रीड करो फिर मैं समझाता हूँ। हाँ जी, अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट 2020। मेन बात तो ये है कि जो ये जितनी चीजें हो रही हैं, ये इस साल जो बजट आया था मार्च में, बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या क्या चीजें अनाउंस करी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और बैंकिंग सेक्टर। पहले फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स टू बी कैरिड आउट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ग्रेटर प्रोफेशनलिज्म पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट सुधार लाना चाहती है, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, यानी कि उनका जो प्रोफेशनल सिस्टम है उसमें सुधार लाना चाहती है, उसको इम्प्रूव कि हमारे बैंक फॉरेन बैंकों की तरह से काम करें। फ्यू पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू बी एनकरेज टू अप्रोच द कैपिटल मार्केट टू रेज एडिशनल कैपिटल। बोला गया कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जो मेन मेन है, आप कैपिटल मार्केट तक जाएं, यानी कि आप अपने शेयर्स को इशू करें, और मतलब आप अपना स्टेक गवर्नमेंट से कुछ निकाल के आप प्राइवेट सेक्टर में। होता क्या है कि कोई बैंक 100% गवर्नमेंट बैंक है, उसमें से 10% स्टेक निकाल कर हमने उसके शेयर इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए, तो शेयर किसके पास जाएंगे? पब्लिक के पास, हमारे पास, आपके पास। तो यानी कि बैंक का उतना हिस्सा हमने क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया।
उतने हिस्से के लिए हमने शेयर इशू किए हैं, यानी कि उतना हिस्सा क्या हो गया, प्राइवेटाइज हो गया। एक मिनट होल्ड कर लो। हेलो हेलो जी, हाँ पुत्र क्या हाल है? नहीं नहीं तू बता। तू मुझे बेटा लगभग 7:15 फोन कर दियो, 7:15 पे। अभी बस बैच चल रहा है, क्लास चल रही है, 7:15 पे फिर करूंगा। ओके कहाँ गया? कि आप अपने शेयर इश्यू करें, 10% हिस्से की पब्लिक मालिक हो जाएगी, इतना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, कोई बात नहीं, 90% तो हिस्सा फिर भी गवर्नमेंट के पास है, तो आपकी अथॉरिटी कहीं जारी रही है, लेकिन इतना शेयर्स पब्लिक में आप इश्यू करोगे तो आपके पास बहुत सारा फंड आ जाएगा, उस फंड को आप अपने डेवलपमेंट में लगाओ, अगर आप नुकसान में जा रहे हो उससे कवर करो। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC हैज बीन परमिटेड टू इंक्रीज डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज फॉर डिपॉजिटर्स। ये वाली डिपार्टमेंट क्या करता है बेटा, ये जितने भी डिपॉजिटर होते हैं, आपने बैंक में पैसा जमा किया तो उसकी क्या गारंटी है, तो वो उसके ऊपर आपको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का हर जमा पे इंश्योरेंस कवर करते हैं, इंश्योरेंस देते। Scheduled commercial banks held under monitoring through a robust mechanism keeping depositors money safe। ये कहते हैं कि उनको भी मॉनिटर किया गया, जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनका जो मैकेनिज्म है वो रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग किया गया, मजबूत किया गया, ये ध्यान रखते हुए कि डिपोजिटर का पैसा अनसेफ ना हो जाए, ये ना हो कि बैंक डूब गया, आपने जितने पैसे बैंक में जमा कर रखे हैं वो पैसे भी डूब जाते हैं, उसका एक कुछ पार्ट ही मिलता है आपको, कभी सोचो कि आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया आपको 1 करोड़ वापस मिल जाएंगे, चाहे गवर्नमेंट बैंक दे, इसका भी एक वो होता है कि एक लिमिट है कि बैंक आपको इतने रुपए देगा, शायद वो 1 लाख की लिमिट है, तो इसलिए गवर्नमेंट बैंकों की हालत सुधारने में लग रहती है कि कोई बैंक डूब ना जाए, पब्लिक का पैसा डूब ना जाए। कोऑपरेटिव बैंक्स विल बी स्ट्रेंथन्ड। कोऑपरेटिव बैंक्स, आपने सुना है इनका नाम, कोऑपरेटिव बैंक्स, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, मुजफ्फरनगर में 7-8 कोऑपरेटिव बैंक्स है, आप जगह जगह जाइए, लेकिन उनका जो सिस्टम है वो अभी उतना प्रोफेशनलिज्म में नहीं आया, तो गवर्नमेंट उनको भी बिल्कुल प्राइवेट बैंकों की, मतलब जो अदर शेड्यूल्ड बैंक है उनकी सीरीज में ला करके उनको स्ट्रॉन्ग कर रही है और उनके अंदर एक प्रोफेशनल सिस्टम डेवलप कर रही है, ताकि वो भी आम जनता से जुड़ के बैंकों वाला प्रॉपर काम करें। नो द लिमिट फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस टू बी एलिजिबल फॉर डेट रिकवरी अंडर द, ये सारफेसी एक्ट है, ये बहुत फेमस एक्ट है, बहुत फेमस, ये जो लॉ पढ़ते हैं वो तो इसके पीछे पड़े रहते हैं, सारफेसी एक्ट के पीछे, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट माना जाता है सीए के अंदर भी, सीएस के अंदर, इसलिए इस एक्ट के बारे में जितना सिलेबस में है ये 2 लाइन है बस, लेकिन मैं इस एक्ट के बारे में कुछ और लाइनें सर्च की हैं और आपके लिए मैं वो बता रहा हूं। अदर सारफेसी मुझे लगा कि ये पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, थोड़ा सा लिखा, बहुत ज्यादा लिखा है। द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, इतना बड़ा नाम दे दिया गया, इसलिए शॉर्ट में इसका नाम ज्यादा यूज होता है, सारफेसी है। तो इस एक्ट की खास बात क्या है, ये एक्ट क्या करता है मैं बता दूं आपको, ये एक्ट बैंकों के जो एनपीएस है, एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये क्या होता है, जब कोई बंदा बैंक से लोन लेता है, जब कोई बंदा बैंक से लोन लेता है
और बैंक को वो लोन चुका नहीं पाता, तो उस बंदे ने लोन लेते टाइम बैंक को अपना मकान या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखा होगा, तो उसने लोन चुकाया नहीं, तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? बैंक की हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, बैंक कहता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी बिल्डिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो पैसा चाहिए भैया, साफ सी बात। क्योंकि बैंक का काम क्या है? लिक्विडिटी, कैश आएगा कैश जाएगा, कैश आएगा कैश जाएगा, तो बैंक तो इसी से कमाता है। बिल्डिंग पड़ी, अब किसी ने मांगे 1 लाख रुपए, तो बैंक ने कहा एक कमरा तोड़ के ले जाए 1 लाख रुपए, ऐसे थोड़ी होता है। तो बैंक के लिए जो ये एसेट पड़ी है, ये होती है नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि इनका कोई भी परफॉर्मेंस, यानी कि इनसे बैंक को कोई भी बेनिफिट नहीं होता। तो ऐसे ऐसी जो एसेट है ना, वो बढ़ती जा रही थी बैंक को, ईयर पर ईयर बढ़ती जा रही थी। तो ये एक्ट बनाया गया, इसमें बैंकों को ऑटोनोमी दी गई कि आप अपना पैसा रिकवर करने के लिए आपको कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर पक्का सबूत है कि आपने पैसे लेने हैं और सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट हो गई है, तो उसे आप 2 महीने का नोटिस दो, 2 महीने का नोटिस दो, और उसके बाद आप अपनी कार्यवाही कर सकते हो डायरेक्टली हमारे बिना पूछे। ये सरफेसी एक्ट है बेटा, ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको भेज दूंगा। और अब हम वापस आ जाते हैं, तो ये बताया गया इज प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 500 करोड़ टू एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़ और लोन साइज फ्रॉम 1 करोड़ टू 50 लाख। मतलब 50 लाख से ऊपर का जो भी लोन होगा, बैंक सीधा सीधा उस पर एक्शन ले लेगा, क्योंकि ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज लेते हैं, इंडस्ट्रीज लोन लेते हैं, लोन लेके पैसा भाग जाते हैं बाहर, तो उसको रिकवर करने के लिए बैंकों को हाई कोर्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। इतना लंबा टास्क होता था, इतने में वो भाग ही जाता था जिसने पैसे देने थे। तो उनपे डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए बैंकों को ऑथोराइज कर दिया गया, अब उन्हें कोर्ट से परमिशन लेने की नीड नहीं है। टू मीट द नीड फॉर ग्रेटर प्राइवेट कैपिटल इट इज प्रपोज टू सेल द बैलेंस होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया IDBI बैंक टू प्राइवेट रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने क्या किया, IDBI बैंक के अंदर जितना गवर्नमेंट का शेयर था वो भी हमने, गवर्नमेंट ने क्या किया, एज ए शेयर इशू कर दिया, प्राइवेट हाथों में चला गया। तो IDBI बैंक का, IDBI बैंक पूरा का पूरा प्राइवेट हो गया। हाँ जी, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर बजट में क्या क्या रखा गया, डीपनिंग फाइनेंस बॉन्ड मार्केट। डीपनिंग बॉन्ड मार्केट का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड मार्केट होती है, बॉन्ड का मतलब होता है जहां पर आपने पैसा लगाया, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से आपको पैसा वापस मिलेगा और उसका ब्याज भी मिलेगा, ठीक है ना। तो इस मार्केट में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, बाहर के लोग भी पैसा लगाते हैं, इंडिया के लोग भी पैसा लगाते हैं, इंस्टीट्यूशन भी पैसा लगाते हैं। तो इस बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाने की ना लिमिट थी पहले, कि ये लगा सकता है ये नहीं लगा सकता। तो अब उसके एरिया को क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया। तो इस प्रोवर्ब का नाम हो गया डीपनिंग बॉन्ड मार्केट। इज टू बी ओपन फुल्ली फॉर नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर्स ऑल्सो, जो NRI इन्वेस्टर्स है, बाहर के इन्वेस्टर्स है इंडिया वाले, वो भी इनमें अब पैसा लगा सकते। और कुछ बाहर की कंपनियां हैं, बाहर के लोग हैं जो यहां पर शेयर्स में पैसा लगाते हैं, इकट्ठा पैसा लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI, ठीक है ना। उनकी पहली लिमिट थी कि वो अपने स्टॉक का 99%, सिर्फ 9% लगा सकते थे, अब वो 15% तक लगा सकते हैं पैसा, ठीक है ना। ये सब क्या है, फाइनेंशियल सेक्टर्स के ये ETF में पैसा लगाना, ये सब पढ़ लेना। मतलब वही की वही चीजें हैं कि गवर्नमेंट कुल मिला के अट्रैक्ट कर रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे यहाँ, मतलब कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि पब्लिक का पैसा जब कंपनीज में आएगा या गवर्नमेंट के पास आएगा, तो वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में खर्च होगा, फिर जब बिजनेस कमाया जाएगा तो उसी से उसको रिटर्न मिलेगा।
वो भी फायदे में, गवर्नमेंट भी फायदे में। इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मेगा बैंक मर्जर, बड़े बड़े मर्जर हुए बैंकों के, बड़े बड़े मर्जर। इंडिया विल नाउ हैव 12 सेक्टर, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, पहले 2017 में थे 27 बैंक, अब कितने हो गए सिर्फ 12। क्या लिखा पहले में, टॉप 10 बिग पब्लिक सेक्टर बैंक हैव बीन मर्ज इनटू 4। जो ऊपर के टॉप 10 बैंक थे वो 4 बैंक बन गए और उनके अंडर में छोटे छोटे बैंक आ गए। ये कब हुआ, 30 अगस्त 2019 को ये अनाउंसमेंट किया गया। अभी बैंक लिखे हैं, द बैंक्स विच वर मर्ज टुगेदर आर पीएनबी, सबसे बड़ा पीएनबी है तो सबके सब मर्ज हो गए, पीएनबी बन गए, ये खबर हुआ। ओबीसी, यूबीआई, इंडियन बैंक, इलाहाबाद, कैनरा, सिंडिकेट, यूबीआई, आंध्रा कॉरपोरेशन, ये बैंक सारे सारे मर्ज होके। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनवील्ड गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रोवाइडिंग देयर बोर्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंकों के जो बोर्ड बने हुए हैं उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी दे रही है, और हर छोटे डिसीजन के लिए गवर्नमेंट से ना पूछे, सब उनको अधिकार दे दिए जाए। फ्लेक्सिबिलिटी टू फिक्स सिटिंग फीस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर है उनको कितनी फीस मिलनी है, कितनी सैलरी मिलनी है, वो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो बोर्ड को ही उसका सारा का सारा काम देता है। लॉन्गर टर्म टू डायरेक्टर्स एट मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड की कमेटी तय करेगी कि डायरेक्टर का टर्म कितना रहेगा, कितना लॉन्गर रहेगा, कहां तक उसको अलाउ करना। मर्जर के की हाईलाइट, पीएनबी, ओबीसी एंड यूबीआई टू मर्ज फ्रॉम कंट्रीज सेकेंड लास्ट, ये जब तीन बैंक आपस में मर्ज हुए तो वो कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन गया था एसबीआई के पास। देखो कहता हूं आपको, एंकर बैंक यानी कि 1 2 3 बैंक मिलने के बाद ये बन गया, ये दोनों अमलगमेट हो गए, इसमें मर्ज हो गए और ये बन गया कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक। कैनरा और सिंडिकेट मिलके बन गए कंट्री का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक। यूनियन बैंक और ये दोनों मिलके बन गए, इनका तीनों का नाम बन गया यूनियन बैंक, ये हो गया फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक मिलके बन गया सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक। क्यों बैंकों को क्यों मिलाया जा रहा है आपस में, क्योंकि जब अलग अलग बैंक होते हैं तो उनका अलग अलग बोर्ड होता है, अलग अलग मैनेजमेंट होता है, तो उसमें डिसीजन में डिफरेंस आता है, आपस में कंपटीशन में लग जाते हैं तो बिजनेस इनका डाउन चला जाता है। तो उनका प्रोफेशनल सिस्टम बनाने के लिए, स्ट्रक्चर एक जैसा करने के लिए, जब मान लो 25-25 ब्रांच है चार बैंकों की, ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक और डी बैंक, अब वो मिलके सारे के सारे ए बैंक बन गए, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो एक जैसा चलेगा, कई सारी फिक्स कॉस्ट सेम लगेगी, ठीक है ना, तो उस चीज का बहुत खर्चा बचेगा, वो खर्चा उन बैंकों के प्रोफेशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में लगेगा। तो इसका क्या था, रिडक्शन इन लैंडिंग कॉस्ट, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग सेक्टर, इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू रेज मार्केट रिसोर्स, मतलब कुल मिला के बिजनेस लेना, सर्विस देना, उन सब में हम क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते थे, इसलिए हमने इनको मर्ज किया। एक होता है कॉन्करेंट ऑडिट बैंकों का, ये क्या होता है कि जो बैंकों की ट्रांजैक्शंस होती हैं डेली रूटीन में, उन ट्रांजैक्शन को रूटीन में हाथों हाथ ऑडिट करते रहो। ऑडिट क्या मतलब, चेकिंग करते रहो कि कोई ट्रांजैक्शन गलत तो नहीं हो गई, किसी ट्रांजैक्शन में अमाउंट कम या ज्यादा तो नहीं लिखा गया, तो उनकी हर तरह की वैलिडिटी रिलायबिलिटी जांचना, फ्रॉड जांचना इज कॉल्ड ऑडिट। कॉन्करेंट का मतलब लगातार कंटिन्यूस चलता रहता है, इसके नियम में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया वो मैं बता रहा हूं। कॉन्करेंट ऑडिट एम्स एट शॉर्टनिंग द इंटरवल बिटवीन इट ट्रांजेक्शन एंड इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये जो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, यानी कि कोई बंदा एक्सटर्नल बंदा उसको जांचेगा कि वो ट्रांजेक्शन सही है या गलत है, इसे बोलते हैं हमारा कॉन्करेंट ऑडिट। तो कॉन्करेंट ऑडिट जो होता है
वो टाइम गैप कम करता है, यानी कि ट्रांजेक्शन होते ही वो ऑडिट साथ साथ चलता रहता है। इसमें रिवाइज नॉर्म्स क्या किया गवर्नमेंट ने, इंक्लूड द ऑप्शन टू कंसीडर वेदर द कॉन्करेंट ऑडिट शुड बी डन बाय बैंक्स ऑन स्टाफ, कि जो कॉन्करेंट ऑडिट है वो बैंक का अपना स्टाफ ही कर ले या बाहर के लोग करेंगे। अगर बाहर के लोग करते हैं तो उसमें भी बैंक का रिटायर्ड स्टाफ होना जरूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल बैंक की मर्जी पर। द रिवाइज नॉर्म स्टेट दैट हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट इन द बैंक शुड पार्टिसिपेट इन सिलेक्शन ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर्स वेयर सच फंक्शन इज आउटसोर्स। वो कहता है कि जो हेड होगा वो पार्टिसिपेट करेगा किस चीज में, कि कॉन्करेंट ऑडिटर कौन कौन होंगे, कौन कौन जांच करेगा, लेकिन जो सिलेक्शन करेगा उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि ऑडिट सही होना चाहिए। ये ना हो कि वो घपला कर रहे हैं, अगर घपला चलना शुरू हो गया तो उस आदमी को नापा जाएगा जिसको हेड बनाया गया। बस ये होता है। A quarterly review containing important features brought out during concurrent audit should be placed before the audit committee or the board of directors. Board of director की एक audit committee है, उसके सामने quarterly review रखा जाएगा कि auditor ने क्या क्या जांचा, कितनी गलतियां हुई कितनी नहीं हुई, वो भी इन गलतियों को पकड़ेगा। The zone wise finding of concurrent audit may be reported to इन कमेटियों को अलग अलग जोन की जो कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट करनी पड़ती है, ये गलतियां पकड़ी गई हैं या नहीं पकड़ी गई। आज का टॉपिक थोड़ा टफ लगेगा आपको, ये चीजें आप नॉर्मल लाइफ में पढ़ोगे सीएस बनने के बाद और सीएस करते करते भी पढ़ोगे, लेकिन जितना सिलेबस में होगा हमें बताना ही पड़ेगा। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, ये अनरेगुलेटेड स्कीम क्या है? आपने मूवीज में देखा होगा गांव में लाला बैठे होते हैं और वो लोन दे देते हैं किसानों को और किसानों की जमीन अपने गिरवी रखवा लेते हैं अपने पास। लोन का इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि वो चुका नहीं पाते और जमीन किसकी हो गई, लाला की हो गई। तो ऐसी चीजों को बैन करना है क्योंकि इनको आरबीआई रेगुलेट तो करता नहीं, जब आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता तो इसलिए इसको बोला जाता है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। उसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स बीच में आई थी, गोल्डन फॉरेस्ट के नाम से आई थी, पर्ल्स के नाम से आई थी, कुबेर के नाम से आई थी, तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई थी जिसमें लोगों का बहुत पैसा डूबा है, अर्बन का भी विलेज का भी बहुत सारा पैसा डूबा है, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड थे, उनके ऊपर कोई गारंटी नहीं थी, वो आरबीआई से अप्रूव्ड नहीं थे, तो उनको बैन करना, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रोविजंस रखे बेटा। इट विल हेल्प टू टैकल द मैनेस ऑफ इलिसिट डिपॉजिट, यानी कि मैनेस का मतलब डेंजर और इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। तो जो इलीगल डिपॉजिट है उसके खतरे से बचा जाए इसलिए इसको बैन किया गया। क्या दिख रहा है? आर एक्सप्लोइटिंग रेगुलेटरी गैप्स एंड लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स टू डू पुअर एंड गलीबल People of their hard-earned savings, यानी कि क्या है? डूब का मतलब दो होता है, एक तो भोला भी होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है टू डूब। टू डूब का मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, धोखा देना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू डिसीव। पुअर एंड गलीबल पीपल यानी कि इनोसेंट पीपल, भोले वाले लोग, भोले वाले लोगों को धोखा ना मिले उनको बचाने के लिए ये प्लान रखा गया गवर्नमेंट, क्योंकि वो बच जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो पैसा कमाते हैं, हार्ड अर्निंग कमाते हैं। तो इनके ऊपर बैन लगाया, तो कुल मिला के गवर्नमेंट ने 3 एक्ट को अमेंड किया, आरबीआई एक्ट 1934, सेबी एक्ट 1992
और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, तीन एक्ट को अमेंडमेंट में भी डाला गया। ये बड़ा इजी था है पूरा का पूरा पैरा। स्टेट बैंक ने सर्विस चार्ज रिवाइज किए 1 अक्टूबर 2019 से। इसमें क्या होता है, जो मेनली इसमें डिस्कशन किया गया वो ये किया गया कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और आपका बैलेंस उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है, कभी 3,000 कभी 5,000 कभी 1,000, ये टाइम टू टाइम नॉर्म्स इनके चेंज होते रहते हैं। अभी लिखा गया ना 5,000 से वो 3,000 कर दिया गया। अगर आपका बैलेंस 3,000 से कम आता है तो स्टेट बैंक इतना इतना चार्ज प्लस जीएसटी लेता रहेगा आपसे, वो सब इसमें मेंशन है। गांव के लिए अलग है, शहर के लिए अलग है, सेमी अर्बन के लिए अलग है, वो सब चीजें आप इसमें रीड करोगे।